मेहमान आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे पास रोज़ाना रौनक हो जाती है, तो ये हज की मुबारकबाद देने आज मेरी फ्रेंड उज़्मा यानी कि मरियम की मदर इन लॉ आ रही हैं, साथ माशाल्लाह उनकी बहन आ रही हैं और साथ उनकी जिठानी आ रही हैं। तो सब लोगों का अभी से ही तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे आप अगर आबे जमजम का और खजूर का कर लें नारी okay, तो मैं चाय का कर लेती हूँ। ओके ठीक है। तो कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ रहें और बाकी का ब्लॉग आप देखें और दुआओं में याद रखें हमें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो यहाँ बस गपशप लग रही थी बच्चों के जो दांत निकल रहे होते हैं, क्योंकि इब्राहिम के आजकल वो टीदिंग पे है, तो उस बारे में हम लोग एक बता रहे थे एक दूसरे को। ऊपर के निकलने तो थोड़ा सा वो काम कर रहा है, पर मुझे लगता है ऊपर के दांत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल होते हैं उसको टेम्परेचर हुआ, क्योंकि मैं ये अपनी कहती थी कि ये जो ऊपर के खासतौर पर साइड वाले केनाइन वाले हैं वो मुश्किल ही है। वहाँ अब मैंने बड़ा पूछा, मैंने कहा मुझे कोई अच्छा सा प्यारा सा अल्लाह वाला पेंडेंट दे दे, उन्होंने कहा नहीं अब काबा वाला आता है। तो डिफरेंट साइजेस जो मक्का में आती है ना उनके पास अल्लाह होते हैं, उनके अच्छा से जो डिजाइन है ना पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे मेरे लिए। थैंक यू। उनको दे चांदी की शक्ल के था कैसी है। हां मुझे एंजल जैसी बहुत पसंद है। अच्छा
कॉन्फिडेंस हुआ जब मुझे मरियम ने कॉल की कि आपकी दुआ कबूल हो गई है, तो मैंने फिर और दुआएं शुरू कर दी। क्योंकि दुआ तो होती है, दुआ करके आई ना, कहती है मैंने मरियम को कहा कि मैंने आपके सारे ऐसे सवाल के लिए दुआ की थी, कहती है अच्छा फिर आप और कर लें मम्मा और कर लें। अच्छा, मरियम से ज़्यादा उज़्मा का ऑन द पॉइंट मुझे मैसेज आया। मैं खाना काबा के सामने बैठी थी कि उज़्मा ने मुझे कहा कि जो प्लीज़ अभी करो हमजा के लिए। तो आपको याद है मैंने आपको रिप्लाई किया था कि मैंने कि मैं उज़्मा में अभी आपकी का मैसेज आया मैं सामने और मैंने दुआ कर दी बस वो कबूलियत। अल्लाह ने आपको जज़ा दी इस बात की, क्योंकि हम लोग इतने परेशान थे हम लोग की वजह से। आपने जो ज़्यादात कराई हो, लग रहा था कि हम भी साथ साथ हुए। मुझे पूरा मैंने इसलिए भी वो सारी ज़्यारतें मैंने कही, मेरी मेमोरी में भी नहीं। तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा डार्क आ रहा है, क्योंकि बिजली चली गई थी और यूपीएस का जो है वो एक बल्ब ऑन था। जब एक दिन मैं और मुजीब गए थे, मैंने बल्कि एक ब्लॉग भी बनाया था, वो सारे खा मैंने देखा था। हाँ, डाइट की थी। मुझे पनीनी कभी पसंद नहीं आई है, इनकी पनीनी भी अच्छी है। लेकिन मैं आपका ब्लॉग देख देख के मैं आपको मुझे ये ना बनाए, क्योंकि ना घर मेहमानों को घर की हाथ की बनी हुई चीज़ अप्रिशिएट बनी हुई है, तो अब कैसे तुम्हें ख्याल आ गया। इतनी मामा की बहुत आपको पता, लेट तो कोई है नहीं, खुद ही करना होता है। बच्चे खुद ही समझ जाती है, समझ आ रहा है। बनाती है जो मैंने इसकी आमना की जो नहीं बच्चे का तो बहुत अच्छा ख्याल करती है, लेकिन खाना आजकल साथ की अम्मी बना रही है। मैं करता हूँ खा भी लिया और वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता। और आप ऐसे वॉक मुझे बता रही थी, बहुत अच्छी बात, वॉक से बहुत फर्क है। टोनिंग के लिए है, आप अपने आप को टोन करना चाह रहे हैं अगर वर्कआउट करें। तो बस यहाँ पर मैं चाय सर्व कर रही थी और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा बड़ा मज़ा आता है जब कोई आया हुआ हो घर में और साथ चाय वगैरह चल रही हो, साथ गपशप चल रही हो और साथ ही कुछ हल्की फुल्की बातें भी हो रही थी, कुछ लतीफ़े सुनाए जा रहे थे, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है और बड़ी रौनक सी हो जाती है घर में। तो इसी तरह आज मेरे घर में जब ये सब लोग आए हुए थे, ख़ास तौर पर शबनम जो ज़ैन की ताई हैं, बहुत ही मिलनसार और बहुत अच्छी खातून हैं, और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे मेरे लिए एक सूट लेकर आई, मुजीब के लिए एक सूट लेकर आई। तो मैं अपने व्लॉग के ज़रिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, और साथ ही उज़्मा और नादिया को भी। शरारत की तो वो भेज दिया, कहता मैं साल पूरा पढ़ता रहा हूँ। तो बाद में उसने किसी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या ये मैं वजीफा कर रहा हूँ, कहता ये तो वहाँ का कौमी तराना है, ये तो दोस्त है उसकी।